आज आजादी के पर्व स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल से आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को आज जेल की चार दीवारी से रिहा किया गया। जबलपुर संभाग के 8 जिलों के 18 कैदियों को उनके अच्छे आचरण के कारण सुबह 9 बजे रिहा किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल के अधीक्षक के अनुसार जबलपुर जिले के 2 दंडित बंदी, डिंडोरी जिले के 3, कटनी जिले के 4, छिंदवाड़ा और मंडला जिले के 3-3, बालाघाट, नरसिंहपुर और सिवनी जिले के 1-1 दंडित बंदी को आज रिहा किया गया। वहीं कोरोना को देखते हुए जेल परिसर में सादगीपूर्ण तरीके से स्वतंत्रता दिवस भी मनाया। जेल अधीक्षक द्वारा झंडा वंदन किया गया, साथ ही 1 से 8 के सशस्त्र बल से तिरंगे झंडे को सलामी भी दी गई। जिला साहब को बुलाओ। बढ़िया अच्छे से रहो, शांति को दिक्कत नहीं करो, हालात ही हो ना तुम कम खाना है ना, तू गाली आप लोग भी रिहाई वाले हो ना, आइए सर। सशस्त्र बंदी रिहा हो रहे हैं, इसके विषय में बताएंगे कितने बंदी हैं और किस तरह से छोड़ा जा रहा है इन्हें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल जबलपुर एकमात्र ऐसी जेल है जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर जिसका नामकरण हुआ है। 2 राष्ट्रीय पर्व, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, इन दोनों पर्वों का हमारे जेल की कैदी इंतजार करते हैं, क्योंकि ये 2 दिन ऐसे होते हैं जब मध्यप्रदेश शासन जेल विभाग अच्छे आचरण वाले कैदियों को रिहा करने का निर्णय लेता है। आज भी वो खुशी का दिन कैदियों के लिए आया है। आजीवन कारावास के 18 कैदी जिनका आचरण लगातार अच्छा रहा है, जिनने कोई भी नियम विरुद्ध काम नहीं किया, उनको शेष सजा माफ करते हुए आज रिहा करने का निर्णय लिया गया है। आज वो 18 कैदी रिहा हो रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये अपने परिवार के साथ रह के अपने आप को मुख्यधारा में जोड़ेंगे और ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो अपराध की श्रेणी में आता हो। सर, मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि आज स्वतंत्रता दिवस है, इस समय में आप आज की नई युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है और बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि आज की युवा पीढ़ी स्वतंत्रता के महत्व को भूलती जा रही है। हमारे पूर्वजों ने कितनी यातनाएं अंग्रेजों की सही हैं और अपने जीवन की आहुतियां देकर सैकड़ों वर्षों बाद इस स्वतंत्रता को हासिल किया है। हम सबका ये नैतिक दायित्व बनता है कि हम इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करें, अपने आप को अनुशासन में रखें, अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करें और देश को प्रगति की राह पर चलाएं। आज मैं देख पा रहा हूं कि युवा बहुत भयभीत हो रहा है और पाश्चात्य संस्कृति की ओर अंधे रूप में आगे बढ़ रहा है। ये हमारे देश की संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हमें अपनी भारतीय मूल संस्कृति को साथ में लेके और देश को प्रगति की राह पर ले जाने की कोशिश करना चाहिए। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रिएट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।